जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों, अगर आज बात करें, आज दिनांक है 17 मई ही है ना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, भैया सही कर लूँगा। 17 मई और वार है शुक्रवार। हम देखने वाले हैं इंदौर मंडी में आखिर क्या प्याज की या लहसुन की आवक है। आगे मैं आपको पूरा एक बार राउंड घुमा के बता रहा हूँ कि कितनी क्या आवक है। जय जवान, क्या लेके आए? लहसुन कितने का थी? वो तो 4-5 जने। अच्छा, 4-5 जने। चलिए, जय जवान जय किसान। तो अगर आवक की बात करें तो मैं पूरा आपको राउंड लगा के बता देता हूँ कितनी की आवक है, और अगर प्याज की बात करें तो प्याज का पूरा राउंड बता देता हूँ। एक टेंटेटिव कितना क्या है कुछ व्यापारियों से पूछ लिया, कुछ और से पूछ लेंगे और अपने को पता लग जाए एग्जैक्ट क्या आवक क्या है। चलिए अपन देख लेते हैं प्याज का क्या ख्याल है। क्या दादा, क्या लेके आयो? लहसुन कितने कट्टे? हम लाए 70 कट्टे। 70? सभी के मिला। चलो अभी लहसुन में अच्छा ही रहेगा जो भी होगा। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। किसान भाई, यहाँ से देखो आवक है, कहीं ना कहीं इधर भी पड़ी हुई है, इस साइड भी कहीं ना कहीं लहसुन पड़ा हुआ है। देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी भाषा में बात बोल रहा हूँ, आवक है कितनी क्या है ये तमाम तरह की चीज़ हम बात करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी कुछ दिनों से, मतलब अभी 4-5 दिनों से जो आवक है कहीं ना कहीं वो लगभग लोग उतनी है जितनी अभी लगातार अभी 2-3 दिन से बनी हुई है। भैया आगे गाड़ी आ गई है, जरूर माल नहीं है लेकिन ऊपर माल है और साइड में माल पड़ा हुआ है। इस साइड भी देखो आप, यहाँ ऊपर पड़ा हुआ माल और नीचे भी पड़ा हुआ कहीं ना। जय श्री राम जय श्री राम। हाँ देखो, यहाँ नीचे भी पड़ा हुआ माल दिख रहा, अभी कल यहाँ नीचे माल नहीं था, आज नीचे माल है। आज बढ़ गई ना, कितनी होगी? 10-10.5 के आसपास होगी, है होगी इतनी। कल ये वाले पट्टी नहीं थी ना, ये वाली ये कल थी, क्या बात करो, लेट लगी होगी। बाकी तो इधर भी देखेंगे, इस साइड भी लगभग उधर ज़्यादा है, उधर तो ज़्यादा, उधर तो पहले उधर रखवाते ना वैसे तो। अरे दादा, जय जवान जय किसान। चलिए चलिए उस साइड चल के देखते हैं कि क्या आज लहसुन की आवक दिख रही है, साथ ही साथ प्याज की आवक भी हम देखेंगे अभी। ये देखिए पूरा, अगर आप देखते हैं, मैंने आपको पूरा बता दिया, राउंड पूरा लगा के बता दिया कि लहसुन की क्या कंडीशन है। इधर भी लहसुन पड़ा हुआ है, आप चाहेंगे तो इधर का भी मैं राउंड बता देता हूँ। देखो ये चीज़ क्या होती है, इससे अनुमान लग जाता अपने को कि कितनी क्या आवक है। आप भी बोलेंगे डायरेक्ट वहीं से बताता दादा, तो आप इसमें आपको पता लग जाएगा कितनी कहाँ कौन सा माल कहाँ पड़ा, कितनी आवक है, तमाम तरह की चीज़ें आपको इससे पता लग जाएगी। तो बस ये मोटा मानना मान के चलो कि आज 10-10.5 हज़ार के आसपास कट्टे है। जय जवान जय किसान। तो भाई ये मैंने आपको बताई फिलहाल अभी लहसुन की। अब बात करेंगे हम लोग आगे चल के कि आखिर प्याज की क्या आवक है। प्याज भी देखो लगना चालू हो चुका है, यहाँ पर कब से लग रहा है, प्याज की क्या स्थिति है। अब ये अगर पूरा मैं आपको राउंड लगा के बता देता तो आपको भी वास्तविक स्थिति पता लग जाती है। उन्हें डायरेक्ट वहीं से बोलूँ इतनी आवक है क्या है, बहुत सारे किसान बोलते हैं यार तुम तो मन से फेंक रहे हो। अब मन से क्या फेंकें यार भाई, बताओ आप तुम भी। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि ये इस साइड भी पड़ा हुआ माल, दादा का ट्रक है, दादा अंदर है, इधर देखो ये इस साइड भी आपका माल पड़ा हुआ। यहाँ जनरली महाराष्ट्र का ज़्यादा माल इस साइड पड़ा रहता है, लोकल भी आता है और दोपहर में इधर बिकता है, मैं पहले बता दूँ आपको। और उधर अंदर भी पड़ा होगा, तो देखो ये इधर अंदर भी माल पड़ा रहता है, वो भी मैं कंडीशन बता देता हूँ आपको, सारा कंडीशन मैं आपको घूम के बता दूँगा। ये देखो यहाँ कुछ अभी भी माल उतर रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बड़ी हुई क्यों आवक है। और अगर देखा जाए तो प्याज का भी देखें हम लोग, तो प्याज मान के लो 45-45 हज़ार कट्टे तो आप आराम से होंगे आज भी, वास्तविकता में देखी जाए तो। इधर भी देखो अभी भी कट्टे कहीं के उतर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, अभी इधर तो खाली पड़ा इस जगह, लेकिन इस साइड फिलहाल। चलिए फिलहाल चलते हम उधर की तरफ। अब बाकी तो मैंने आपको ओवरऑल बता ही दिया है कि कितनी क्या कंडीशन है और क्या कंडीशन नहीं है। ये देखो गाड़ी में अभी माल निकल रहा है, अभी उतर रहा है कहीं ना कहीं, इधर अभी गाड़ी में लोड पड़ा हुआ है। तो कहने का बड़ा सिंपल सा तात्पर्य है कि कल जितनी है, लेकिन थोड़ा 19-20 देखो रहता उस साइड भी है, लेकिन उस साइड नहीं जा रहे अपन, बस मैं आपको यहीं से बता दूँ एग्जैक्ट लोकेशन पूरा। आलू का चलने वाला, लेकिन यहाँ पर भी अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी प्याज की आवक दिख रही है। आलू तो कहीं कहीं लगा हुआ है लेकिन प्याज ही दिखेगा आपको जनरली। देख लो उस साइड भी पूरा प्याज पड़ा हुआ, पूरा कहीं ना कहीं ज़्यादातर प्याज ही दिखेगा, आलू दिखेगा कहीं ना कहीं। जय जवान जय किसान। ये पूरा प्याज भी है आलू भी है। जय जवान जय किसान। ठीक बोलते हैं।
आवक क्या हो गया आज 40-45 तो होगी प्याज की। और मोटी मोटी बात करें तो आवक की आज मैंने बताई दी आपको, आवक ये मान के चलो कि लहसुन में 10,000 कट्टे के आसपास आप आराम से मान लो, और जो प्याज है वो आप मान के चलो 42-45,000 कट्टों के आसपास आप आराम से मान के चलो कि इतनी आवक आज 110% होगी। अब आप बोलोगे तूने गिना क्या, गिना नहीं लेकिन एक थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग जाता है और बाकी कुछ भी आप आवक